गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास टेंथ का हिंदी का क्षितिज का काव्य खंड का पाठ एक सूरदास करेंगे। काव्य खंड के अंतर्गत दो पाठ हैं, एक तो गद्य खंड और एक पद्य खंड। आज हम पद्य खंड का पहला पाठ सूरदास करेंगे। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट मुक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही ग्राम में माना जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि इनके विद्वानों की एक मत नहीं है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे थे। तो इससे ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था और उन्होंने उनके गुरु ने अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक बताया गया है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। और उसके बाद में भजन कीर्तन करने के बाद में उन्होंने उनसे शिक्षा ले ली और उसी शिक्षा से वे भजन कीर्तन आगे करने लगे थे। सन 1583 ईस्वी में पारसोली में उनका निधन हुआ था। तो इससे आपके तीन चार क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। सूरदास जी ने मुख्यतः 25 ग्रंथों की रचना की है, लेकिन इनके प्रमुख तीन ग्रंथ ही माने गए हैं, जिसमें सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसराव। ये तीन इनके प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं और सर्वाधिक लोकप्रिय रहे और खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र, मतलब इन्होंने इसके अंतर्गत भारतीय किसान का और दैनिक जीवन जीने वाले लोगों का वर्णन किया है कि मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। कि मनुष्य के अंदर जो स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होती है, उसका सूर की कविताओं के अंदर इसका चित्रण मिलता है। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार रस इन दो पर खूब पद व कविताएं लिखी है और इसी कारण ये श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूरदास ने अपने पदों के माध्यम से श्री कृष्ण और गोपी के प्रेम को उजागर किया है और सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त कराया है। कि जो मनुष्य सामान्य मनुष्य है, जो अपने आप को हीन समझते हैं, उसको इन्होंने अपने पदों के माध्यम से मुक्त करवाया है। उनमें जीने की ललक और लोगों के अंदर जीने की जिज्ञासा भी पैदा कर दी है। उनकी कविता ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, मतलब सूरदास ने जो अपने पद लिखे हैं वे ब्रज भाषा के अंतर्गत ही लिखे हैं और वह लोकगीतों के रूप में उन्होंने एक श्रेष्ठ कवि का भी माना जाता है। ये जो हमारे सूरदास के पद हैं, ये भ्रमर गीत से लिए गए हैं। तो भ्रमर गीत के चार पद माने गए हैं। चारों पदों के अंदर सूरदास ने गोपियां, यहाँ सूरदास सूरसागर के भ्रमर गीत के चार पद लिए गए हैं और जो उस पदों के अंतर्गत किसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले पद में कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौट कर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। अगर आपको पता हो तो सूरदास जी ने इस पदों के माध्यम से ये बताया गया है कि जब श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन से मथुरा जा रहे थे और तब गोपियों से उन्होंने क्या वादा किया था, लेकिन वो लौट कर नहीं आए, मथुरा में ही वह रहने लग गए थे। तब गोपियां उन्हें उल्हाना देती है और श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से गोपियों को संदेश भेजते हैं। उस संदेश में वह क्या क्या भेजते हैं वो बताया गया है। तो उद्धव जी गोपियों के पास जो संदेश देने आते हैं और उसके अंदर उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग साधना का उपदेश दिया है कि वह गोपियां और कृष्ण के प्रेम को नहीं मानते थे। उन्होंने ये बताया है कि कृष्ण से प्रेम करना आपका गलत है, आपको निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए। और गोपियों की विरह वेदना को शांत करने के प्रयास भी किया और जो गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उस प्रेम की आग में जल रही थी, उसको शांत करने का प्रयास भी
उद्धव जी ने किया था। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। जो उद्धव जी के द्वारा जो लाया गया था ज्ञान मार्ग का संदेश, वह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वह वास्तविक श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उसी को वह पसंद करती थी। इसी कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया और वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। इसी कारण जो उद्धव के द्वारा योग संदेश लेके आए थे वह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक और भौरा आ पहुँचा। अब ये भौरे के माध्यम से कि मतलब गोपियाँ उद्धव जी से डायरेक्ट नहीं कहकर एक भौरे के माध्यम से कह रही है कि जब उद्धव जी आए थे तब उसी समय एक भौरा भी आया था, तो वह उसे सीधा ना कहकर भौरा के माध्यम से उन्हें कहना चाह रही है, मतलब ताना कस रही है या व्यंग दृष्टि से कह रही है। तो इसीलिए उद्धव जी को भौरा का रूप दिया गया है। यही से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं और पहले पद के अंदर उन्होंने क्या बताया कि गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से, मतलब कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण उनके पास रहते हैं और प्रेम की नदी है, लेकिन उद्धव जी उस प्रेम की नदी से विमुख है, उन्होंने उस प्रेम की नदी के जल को जरा सा भी नहीं छुया है, ये बताया गया है, तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। और दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में रह गई। अब गोपियां यह मानती है कि दूसरे पद के आधार पर उन्होंने यह बताया कि जो उनकी मन की बात थी, जो श्री कृष्ण से बताना चाहती थी, वह उसे नहीं बता पा रही है क्योंकि कृष्ण स्वयं तो नहीं आए और उन्होंने उद्धव जी को भेज दिए, इसलिए जो उनकी मन की बात थी जो मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। और तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी बताया गया है कि जो उद्धव जी योग संदेश लेके आए हैं तो उन्होंने गोपियों ने कड़वी ककड़ी के समान बताया गया कि जिस प्रकार कड़वी ककड़ी अगर हम खाते हैं तो तुरंत मुंह खराब हो जाता है और उसे हम गिरा देते हैं, उसी तरह उद्धव जी का जो योग संदेश है वो कड़वी ककड़ी के समान है, इसलिए गोपियाँ उसे स्वीकार नहीं करना चाहती। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। और अंत में गोपियां द्वारा उद्धव को राजधर्म, मतलब राजा का धर्म क्या होता है, वो याद दिलाया गया कि चौथे पद के अंदर उन्होंने बताया है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली, मतलब छल कपट नीति का सारा लिया है और राजा का यह धर्म होता है कि प्रजा की रक्षा करना, लेकिन उन्होंने इसमें प्रजा की रक्षा ना कर और अपनी मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन किया है, ये इस पाठ के अंतर्गत हमें बताया गया है। अब आज हम इसका पहला दोहा, पहला पद पढ़ेंगे। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माही तेल की गागर बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी गुर चोटी जो पागी। अब इस पद के माध्यम से गोपियां उद्धव को कह रही है, क्या कह रही है कि हे उद्धव तुम तो बड़ भागी, बड़ भागी मतलब भाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो। और भाग्यशाली क्यों बताया गया है कि अप्रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम प्रेम के सागर में रहकर भी, तुमने प्रेम के सागर में रहकर भी उस डोर को तुमने नहीं पकड़ा है और ना ही तुम्हारे मन को वो प्रेम छू पाया है। किस तरह, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न ताके। अब इसके अंतर्गत क्या बता रही है, वो उदाहरण दे रही है गोपियां कि किस तरह कि पुरैन पात का क्या अर्थ होता है, कमल, कि कमल का पत्ता, कमल के पत्ता जो जल के भीतर रहकर भी उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं लगती है और इसी कारण वो अपनी देह भी त्यागने पाता, मतलब वो पूरा खराब नहीं हो पाता है। जो जल माही तेल की गागरी बूंद ने ताको लगी। और दूसरा उदाहरण उन्होंने गोपी ने ये दिया है कि जिस तरह किसी भी मटकी में या कलश के ऊपर अगर हम पूरा तेल लगाकर उसको जल के अंदर डुबो देते हैं और पुनः उसको जल से बाहर निकालते हैं तो उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती है,
उसी प्रकार उन्होंने उद्धव जी को बताया है कि तुम प्रेम के सागर में रहकर भी उनसे प्रेम के रस में नहीं बन पाए हो। प्रीति नदी में पवन ने बोलियो, दृष्टि ने रूप परागी। अब उन्होंने कहा है कि गोपियों ने उद्धव जी से कि तुमने प्रेम की नदी में, जो तुम्हारे पास प्रेम की नदी अर्थात भगवान श्री कृष्ण है, उनकी नदी में तुमने पैर तक नहीं डुबोया है और ना ही तुमने उस पर एक प्रेम की दृष्टि भी डाली है। सूरदास अबला हम बोरी गुर झोटी चो पाके। अब इसके अंतर्गत वो बता रही है कि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि गोपियां कह रही है कि हे उद्धव जी, हम तो उस प्रकार हैं जिस प्रकार गुड़ को देखकर चींटियां उनसे प्रेम करती है, पूरी तरह से चिपट जाती है, उससे अलग करने पर वो क्या हो जाती है, विमुख हो जाती है या मर जाती है, अपनी देह त्याग देती है। और हम भी इतनी अबला हैं, बोली हैं, हम भी अपने भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और अगर आप हमें उससे दूर करने की कोशिश करोगे तो शायद हम भी अपनी देह त्याग देंगे। ये संपूर्ण पहले पद का अर्थ था। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पद। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उदो नाही परत कही। अवधि अधार आस आवन की तन मन विधा सही। अब इन जोग संदेश ने सुने सुनी विरहिन विरह दही। चाहती हुती गुहार जिते हिते उतते दार बही। सूरदास अब धीर दही क्यों मर ज्यादा न लही। इस पद के माध्यम से हम कुछ अलंकारों का भी जानकारी लेंगे, जिसमें देखो ये अवधि आधार आस आंगन की, क्योंकि यहाँ पे अ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, अनुप्रास अलंकार आएगा। और सुनी सुनी के अंतर्गत आएगा, जो शब्द बार बार आता है तो वहां पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मन की मन ही माज रही। अब गोपियां कह रही है कि हम श्री कृष्ण को कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन वो कृष्ण तो आए नहीं, इसलिए हमारे मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उदो नाही परत कही। हे उद्धव जी, अब हम ये बता किसको कहें, क्योंकि हमें तो एक आस थी कि हम श्री कृष्ण आएंगे और उनसे अपने मन की व्यथा कहेंगे, अब वो तो नहीं आए, अब हम अपने मन की विदेह की व्यथा किसको कहें। अवधि आधार आस आवन की, हमने हमें एक विश्वास था और एक समय था कि हमें श्री कृष्ण आएंगे, ये आशा थी हमारे मन में, लेकिन वो नहीं आए। तन मन व्यथा सही, और जो हमारी ये मन की विरह की व्यथा है वो और ज्यादा भड़क उठी है, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा आग लग गई, विरह की आग लग गई है। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी विरहिन विरही दही। और जो अब आप हमारे लिए जो ये योग का संदेश लेके आए हो उसको सुनकर तो ऐसे लग रहा है कि प्रचंड ज्वाला, जो विरह की ज्वाला है, बहुत ही ज्यादा लग गई है। चाहती हुती गुहार जिते हिते उतते धार बही। और हमने ये सोचा था कि जिससे हम गुहार करेंगे, मतलब प्रार्थना करेंगे, या हमें आशा थी कि भगवान श्री कृष्ण से आशा थी कि वो हमारे पास आएंगे और हमारे प्रेम को समझेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उसके विपरीत हमारे लिए विरह की व्यथा को उन्होंने भेज दिया है। सूरदास अब धीर दही क्यों मर ज्यादा न लही। अब गोपियां कह रही है कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, क्योंकि अगर हम धैर्य धारण करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी मर्यादा रखी है, उन्होंने तो अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर लिया है, इसलिए हम अब धैर्य धारण नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, आज हम सिर्फ सूरदास के दो पद ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उसके आगे के तीसरा और चौथा पद करेंगे।